एमपीएससी की पढ़ाई ऐसे करें कि जब आपका अगले साल सिलेक्शन हो तो आप बोले इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। अगर आप में वो चाहत है कि मैं जब मैं सिलेक्ट होकर सिविल सर्वेंट बनूं, मैं कुछ बदलाव लाऊं अपने एंड पे, जो मैं क्रिटिसाइज करता रहता हूं, कंप्लेन करता रहता हूं, अगर मैं सिलेक्ट होकर मैं कुछ चेंज ला सकूं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर जाएंगे। नींद तो नहीं आ रही? पक्का? बहुत बहुत खुशी हो रही है जयपुर आते हुए। आई एम हाफ राजस्थानी, मेरे पापा जयपुर को बिलोंग करते हैं, और अब कार्टर एलोकेशन भी राजस्थान हुआ है, तो अब बस यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है आप सबके लिए। तो आई थिंक अथर सर ने बहुत मोटिवेट किया, उसके पहले चंद्रमोहन सर, विपिन सर एंड सरनीत मैम। सिविल सर्विसेज हम जब भी सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें, अच्छा लाल बत्ती, अच्छा रुतबा है, अरे वाह इतना, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, एक एक ग्लैमर भी है, और हम इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज देंगे। पर ये जो पूरी जर्नी होती है ना प्रिपरेशन की, ये सबको पता ही है, काफी मुश्किल होती है। और फिर अगर इन्हीं चीजों से मन भरता है तो 5-10 दिन बाद ये सब चीजें आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगी, और फिर आप क्या सोचेंगे, जब रोज पढ़ना पड़ेगा 10-10 घंटे, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे वैसे काफी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑलरेडी, हाउ मेनी ऑफ यू फील हमसे नहीं हो पाएगा? ये फीलिंग आती किस किस को है? अरे सच बताओ, किस किस को लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ख्याल आता है नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, ये सच बता रही हूँ, ये सबको लगता है, ये मुझे हर दूसरे तीसरे दिन लगता था। एवरीबडी फील्स दिस वे। क्योंकि ये एग्जाम इतनी कॉम्पिटिटिव है, इसमें हर फील्ड से स्टूडेंट्स बैठते हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ये वाजिब है कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन लगेगा कि बहुत मुश्किल। तो हर दिन अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को याद दिलाते रहें कि नहीं सिविल सर्विसेज करनी है, मुझे आज 9-10 घंटे पढ़ना है, कैसे कैसे अपने आप को पुश करते रहें? वो तभी होगा अगर हम ये जो लाल बत्ती, रुतबा, इन सब से हटकर एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है कि सिविल सर्विस क्यों करना है, क्यों सिविल सर्वेंट बनना है, अगर वो एक्चुअली जो वो विजन है, अगर हम उस पर फोकस करें, तो ही हर सुबह आप उठेंगे और फिर से वो रूटीन फॉलो करेंगे 10-10 घंटे पढ़ने वाला। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स तो पढ़ते हैं अखबार, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं अच्छे से, एज इन 2 घंटे लगा के अंडरलाइन करके? नहीं नहीं, और हाथ दिखाओ, ऐसे मत करो। सो हम पढ़ते हैं और चीजों के बारे में जानते हैं, अच्छा यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ का पानी गंदा है, हवा जहरीली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, उतनी जॉब्स है नहीं जितनी चाहिए। हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, पर कितने लोग हम एक्चुअली सोचते हैं कि अच्छा हम पढ़ ले ये, हम फिर ये प्रोफेशन ज्वाइन कर ले और फिर हम कुछ चेंज लाए, कितने लोग सोचते हैं? अरे वाह, जयपुर तो भाई कमाल है। यहाँ पे पहले से मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, पहले विजन बने हुए। जी, सो अगर आप हर दिन जब अखबार पढ़ते हैं और इन सब मुद्दों पर सोच विचार करते हैं, तो फिर हर दिन
आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप में वो चाहत है कि मैं जब मैं सिलेक्ट होकर सिविल सर्वेंट बनूं, मैं कुछ बदलाव लाऊं अपने एंड पे, जो मैं क्रिटिसाइज करता रहता हूं, कंप्लेन करता रहता हूं, करती रहती हूं, अगर मैं सिलेक्ट होकर मैं कुछ चेंज ला सकूं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं रिसेंटली हैदराबाद में थी, वहां पे आई मेट ए लेडी ऑफिसर, शी हैज ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड अलॉन्ग विथ मी दिस टाइम। उनकी स्टोरी एक्चुअली बहुत हार्ट टचिंग थी, टच्ड माई हार्ट। तो इनकी शादी बहुत जल्दी कर दी गई, और इवन शादी के पहले जब ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ। इनके भाइयों को ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और इनको एकदम, जैसे वो मुझे बता रही थी, कि इनको कुछ नहीं समझा। फिर इनकी शादी करा दी गई, तो हस्बैंड ने कुछ नहीं समझा, इन लॉज ने कुछ नहीं समझा। उनका बहुत मन था कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम दे, पर कोई सपोर्ट ही नहीं था। यहाँ पे हम बात करते हैं काफ़ी लोगों की, कि चलो हालात ठीक नहीं थे, बट फैमिली सपोर्ट था, कोई ना कोई था जो गाइड करता रहा, सपोर्ट करता रहा, और इसलिए सक्सेस मिल गई। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ सर्कमस्टेंसेस भी फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं थे, और कोई सपोर्ट ही नहीं था, और इनका बहुत मन था कि सिविल सर्विसेज करना है। तो कैसे भी लड़ झगड़ के फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। एंड पेरेंट्स ने बहुत सुनाया, इन लॉज ने बहुत सुनाया, हस्बैंड का तो कोई सपोर्ट ही नहीं था, पर इनमें बहुत चाहत थी कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मुझ में वो पैशन है। इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, फिर भी नहीं। तीसरा अटेम्प्ट दिया, फिर भी नहीं हुआ। रिश्तेदार पता ही कैसे होते हैं, सुना के उनको इतना परेशान किया। उनका हस्बैंड उनसे अलग रहने लग गया। फोर्थ अटेम्प्ट दिया, फाइनली हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस। एंड हम इस फायर, इस पैशन की बात कर रहे हैं जो चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इतनी 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 हिम्मत चाहिए कि चाहे कोई भी ऑड हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप कर सकते हैं। देखिए, ना ही वो कोई रईस खानदान से थी, और फैमिली सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड आपसे अलग रहने लग गया, सोचिए कितनी किस परिस्थिति में दिया। और चौथे अटेम्प्ट में, तो ये दिस इज द पैशन वी आर टॉकिंग अबाउट। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आप सबने? तो बीजिंग ओलंपिक्स जब हुए थे, उसके जस्ट आप समझ लीजिए एक दो महीने पहले की बात होगी, उनका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि उनका शायद राइट हैंड इंजर हो गया था, एंड ही सेड, डॉक्टर सेड दैट आई डोंट थिंक अभी आप यूज राइट हैंड से कर पाएंगे, कि ज़्यादा चोट लगी है। ही सेड, तो क्या हुआ, पैर तो है। एंड देन ही वेंट ऑन टू विन 8 मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक्स। सो कितनी कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, पर अगर वो दिल और दिमाग में है कि नहीं करना है तो करना है, और लोग फिर करके दिखाते भी हैं। सिविल सर्विसेज, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी काफ़ी मुश्किल परीक्षा होती है, देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है, इतने सारे लोग बैठते हैं, हर दूसरे दिन मैंने बताया ऐसा लगता है हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको टैकल करने के लिए आपको अपने सबको अपने लिए वो एक वजह ढूंढनी है, वो एक वजह ढूंढनी है कि आपको वो क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्योंकि आएंगी सबके सबके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई परेशानी आएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपके पास वो मीन्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा। बट अगर वो एक सोच है आपके दिमाग में, तो वाकई आप फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इस परीक्षा में जैसे कि 3 भाग होते हैं, प्रिलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कैसे प्रिपेयर करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रिपरेशन का, और मैं सबको यही कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप है कि आप पूरा यूपीएससी सिलेबस याद करें, मेमोराइज करें, अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि
अगला सवाल वो होता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं कि जब आप के दिमाग में वो पूरा सिलेबस बिल्कुल छपा हो, तो जब आप अगले दिन अखबार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खुद दिमाग बोलेगा, अच्छा ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है क्योंकि ये सिलेबस टॉपिक में था, अच्छा ये नहीं है क्योंकि ये सिलेबस टॉपिक में नहीं था। तो सिलेबस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको अपडेटेड रखेगा। कुछ भी आपके अराउंड हो रहा होगा, आप जब भी अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, रेडियो पे कुछ सुनेंगे, इंस्टेंटली आप कनेक्ट करेंगे कि ये मेरे एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है। ये जो प्रिलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये तीनों इंटरलिंक्ड है, ये अलग नहीं है। प्रिलिम्स आपका बेस बनाएगा, मेंस में आपको अपने बारे में बताना है, इन द सेंस कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या सोच विचार हैं मुद्दों पर। वो आपसे आपका ओपिनियन कमेंट पूछेंगे कि आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस इशू पे। हाँ, और इंटरव्यू तो क्या बताऊँ, सबसे सबसे डरावना मोमेंट होता है लाइफ का। यूपीएससी इंटरव्यू आपको वो अच्छी तरीके से हर हर तरीके से ग्रिल करेंगे। इनफैक्ट जब आप वेटिंग एरिया से इंटरव्यू बोर्ड की तरफ चल के जा रहे होते हैं, तब आप यही सोचते हैं बस भगवान बचा लेना बस। पर जब आप बोर्ड के इंटरव्यू रूम पे नॉक करेंगे और वो आपको बोलेंगे यस कम इन, और फिर आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम सर जो भी है, तो वो जो आपको हल्की सी स्माइल देंगे उसके बाद फिर लगता है चलो ठीक है, अभी 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 मरने अभी मरने वाले नहीं है, अभी भी जिंदा रहना है। और ये बहुत डराने वाली बात होती है कि नहीं वो तो खा जाएंगे तुम्हें वहाँ पे, बट वो काफ़ी काफ़ी काइंड होते हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड वो इवन हिंट्स देते हैं अगर उन्हें लगता है कि आप हिंट से थोड़ा और बेहतरीन आंसर दे पाएं। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, बट मैं क्यों झूठ बोलूँ, सबसे डरावना मोमेंट होता है लाइफ का और बहुत प्रेशराइज्ड होता है, बहुत तरह तरह के लोग भी देखने को मिलते हैं। अथर सर ही मुझे बता रहे थे कि जब वो लोग वेटिंग एरिया में बैठे थे तो एक एक महाशय खड़े हुए, उनका उनका नाम कॉल आउट हो, उनकी चांस आई तो खड़े हुए और डिओड्रेंट निकालो और यू पूरा। तो बहुत बहुत देखने को भी मिलता है। पर ये जो परीक्षा है, ये ना ही आपकी सिर्फ एक नॉलेज बेस बढ़ाएगी, ये आपको पूरी तरह एक नया इंसान भी बना देगी। क्योंकि ये जो मेहनत के 2 साल आप देंगे यूपीएससी की परीक्षा के लिए, ये आपको सिखा देगी कैसे कम सोना है, कैसे 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 हर चीज़ सैक्रिफाइस करनी है, कैसे आप डिसिप्लिन्ड होना है। डिसिप्लिन मतलब हर दिन वो ही स्केड्यूल फॉलो करना, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक की पढ़ाई करना। तो ये जो डिसिप्लिन है, कैसे सिंसेयर रहना, कैसे फोकस रहना, कैसे दोस्तों को मना करना भी आ जाएगा, लोग बोलेंगे चलो मूवी देखने नहीं, मुझे यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। तो ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है और ये आपको बहुत कुछ सिखा देता है। जो जो मुद्दे चल रहे हों आपके आसपास देश विदेश में, आप इतना पढ़ेंगे उन पे कि आपके ओपिनियंस बनने लग जाएंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, या ये सही है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखिएगा कि आप जब इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ना केवल आप सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाएं, बट अपने आप को एज अ पर्सन भी डेवलप करें। क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाकू लोग नहीं चाहते, वो ऐसे लोग चाहते हैं जो आराम से अपनी दिल की बात व्यक्त कर पाए, जो जो एक लीडर बनके सारी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को साथ लेके आगे बढ़ पाए, जो बहुत कंपैशनेट हों, जो सेंसिटिव हों, जो जो भारतीय संस्कृति को समझते हों। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ एक नॉलेज अक्वायरिंग एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम आपको एज एन इंडिविजुअल भी चेंज करती है और आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए कि आप कैसे एक बेहतर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए। तो ये पूरी फिलॉसफी है इस एग्ज़ाम की। अब अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम में इतना डर लगता है, इतनी कॉम्पिटिशन है, हाँ है, बट अगर आप में वो सोच है, आप रेडी हैं कि नहीं मैं कल अगर मुझे कोई बर्थडे पार्टी में इनवाइट करे और मैं बना करके फिर भी पढ़ सकता हूँ, आप में वो सैक्रिफाइसिंग एबिलिटी आ गई है, तो फिर सीरियसली इस एग्ज़ाम में और कुछ चाहिए ही नहीं। इस एग्ज़ाम में चाहिए एक हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सिंसेरिटी और आई थिंक सबसे ज़्यादा एक हैप्पी आउटलुक, एक पॉजिटिव आउटलुक। हम लोग सोचते हैं कि यूपीएससी की पढ़ाई बस कमरा बंद करके बैठना है, सुबह 4 बजे उठना है, भगवान की पूजा करनी है, ये है वो है,
ये सब तो ठीक है, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन बने रहें पूरे वो 2 साल. पॉजिटिव इन द सेंस कि आप खुश मिजाज ही रहें. आप ये नहीं कि कमरा बंद कर दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सब फोन वोन बंद कर दिया. हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी एक आम इंसान की तरह बातचीत भी करनी है, पढ़ाई भी करना है और एक नॉर्मल बैलेंस्ड माइंड भी रखना है. तो मैं तो सबको यही कहती हूँ कि हर 15 दिन एक दिन बाहर के लिए निकालिए, कहीं घूम के आइए, दोस्तों से मिलिए. और पेरेंट्स से तो हर दिन बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली बूस्ट करते रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे कि जब भी आपको अच्छा ना लगे कि शायद नहीं हो पाएगा, शायद मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगी या पढ़ पाऊँगा, तो वो आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि नहीं, आप में वो काबिलियत है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बैठ सकते हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं. और खुदा ना खास्ता अगर ना भी हो सिविल सर्विसेज में, तो अगर वो सोच है कि मुझे कुछ करना है, तो आप किसी और तरीके से करेंगे. और वाकई अगर एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा खुलता है. और अगर एक चीज़ हासिल ना हो, तो हमेशा याद रखिए भगवान ने आपके लिए और बेहतरीन चीज़ रखी. तो UPSC की पढ़ाई ऐसे करें कि जब आपका अगले साल सिलेक्शन हो, तो आप बोलें, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.